हेलो गाइस, अभिषेक है। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो बहुत ही फ्रेश दिन है और हम लोग चल रहे हैं ट्रिप के लिए। ये कोई सडन ट्रिप नहीं है जो हम लोगों ने ऐसे ट्रिप डिजाइन कर लिया। ये एक्चुअली में जब भैया की शादी नहीं हुई थी तो मम्मी की जगह गई थी कन्याकुमारी दैर से। तो उन्होंने वहाँ पर बोला था कि जब भी किसी घर में शादी पड़ेगी तो उसके बाद हम लोग आएंगे कन्याकुमारी घूमने के लिए। ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले की बात है और अब हम लोग चल रहे हैं कन्याकुमारी। तो फाइनली आज वो डेट है कि हम लोग कन्याकुमारी के लिए निकलेंगे। तो 2 दिन का ट्रिप है पूरा ट्रेन के अंदर, बाकी 2-3 दिन वहाँ लगा रुकना है, फिर 1-2 दिन भैया के यहाँ रुकना है, दिन उसका घर आना है। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग निकल रहे हैं अपनी ट्रेन यात्रा करने के लिए। ये देखो माता से पूजा करते हुए, बोलो साचे दरबार की जय। सो गाइस, वी हैव रीच्ड ऑन प्लेटफॉर्म। 1.5 घंटे का रास्ता है और हम लोग घर से तकरीबन 2.5 घंटा पहले निकल गए कोहरा को देख के, कि कोहरा बहुत तेज होगा। तो 1 घंटे का मार्जिन लेके चलता है। सीन ऐसा हुआ कि कम से कम 1 घंटे पहले हम लोग आके खड़े हैं, कम से कम का एग्जैक्ट हो गया है कि 1 घंटा पहले आके हम लोग स्टेशन पर खड़े हैं और ट्रेन भी 20-25 मिनट लेट दिखा रही है। तो भाई, यहाँ पर हम लोग पूरा मिडिल बर्थ मिला है। एक ये बर्थ है, एक वो बर्थ है, एक ऊपर वाला, एक मेरा और एक यहाँ वाला जो ब्रजेश का, वो भी गया बाथरूम में और अभी हम लोग पूरा सो रहे हैं खाली। भाई देखो, ये कि भुक्खड़ आ गया हमारे अंदर पीछे, ये भाई इसके अंदर राक्षस पैदा हो गया है। पता नहीं क्या हो गया इसको, कब से निकाले खाया जा रहा है। तुम्हारा भूख नहीं मिट रहा है ब्रजेश? खाते रहो, क्या दिक्कत। घुस जाओ बैग, उसी मुड़ी डालो, डाल दो उसे मुड़ी डाल दो वे भाई निकाला जा रहा है। सो गाइस देखो, ये हो रही वीडियो एडिट अपनी, क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा था और सब लोग भाई टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे मस्त मम्मी का टाइम पास हो रहा है। सुबह सोई है, जितना ट्रेन चलता जा रहा है उतना सोती जा रही है और हम लोग बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। सो गाइस, आज पूरा दिन बीत चुका हम लोगों का सोते सोते। 1 दिन बिता है, अभी 2 दिन की पूरी जर्नी है टोटल और 1 दिन हम लोगों ने बिता दिया। देखो उधर सो रही मम्मी, इधर ये कहाँ गई जी, ऊपर हो जा, ये देखो झुक झुक के देख रही। और ये रहे पापा, कहाँ नहीं रहे। हाँ, और ये रहा मेरा सीट और ब्रजेश का ये वाला सीट है जो अभी उधर बैठ के देखो वीडियो बना रहा है। तो पूरा दिन हम लोगों का ऐसे ही बीत चुका है आज के दिन। थोड़ा सा हम लोग ताश पत्ते खेले भी, थोड़ा खाते पीते, खा तो गजब ही रहे, खाने का तो गजब ही सीन है। यहाँ पे ट्रेन हो चुकी है ऑलमोस्ट 8.5 घंटे लेट और हम लोग बैठे बोर हो गए हैं। 6 बजे का यहाँ पे खड़ी है, 6:30 बजे का, 8:30 बज गए यहीं पे, जस की तस खड़ी है। हाँ जी, क्या हाल चाल है तुम्हारा? एकदम खराब है मेरा तो। हम तो सोच रहे हैं कि स्टेशन कोई आ जाए, वहीं पर उतर जाए, वहाँ से फिर अपने दूसरे सवारी से चला जाए। भाई हमारे कोई टाइम पास करने की लिमिट होती है, टाइम पास 2 दिन से ऐसे ही कर रहा था, फिर टाइम पास करते करते अब ट्रेन ही नहीं चल रहा है, अब एकदम ही टाइम पास हो चुका है अपना। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट 11 घंटे लेट थे ट्रेन, जो सुबह पहुँचना चाहिए वो अभी पहुँचा है। और हम लोग अब जा रहे हैं घर की तरफ, 11 घंटे बाद ट्रेन सफर करके अब दोबारा इस ट्रेन से कभी नहीं मिलेंगे। हालत ख़राब कर दिया, ट्रेन लाल आके अब पहुँचेगा करते करते फाइनली 11 घंटे बाद पहुँच गए। सो लेट्स गो, चलो चलते हैं घर पहले। तो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी, ये देखो रात के तकरीबन हो चुके हैं 2:07 हो रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ इस घर में पहली बार एंट्री करने और आपको पूरा घर का टूर भी दूंगा। साफ सफाई रखे हो ना घर में? नहीं। सो अभी जैसा भी है वैसा ही देखे, गंदा है तो गंदा ही देखे, बट फोन टूर में आपको देता हूँ। चलो फटाफट पहले घर में घुसते हैं। सो ये देखो, ये रहा घर, ये रहा मेरा भी जूता, सबका जूता निकल रहा है। तो भैया मेरा भी वाह वाह, नहीं दरवाजा बंद है, नहीं हो क्या अभी तक? ये रहा किचन, वही हम देख रहे हैं, मेरा लिविंग एरिया बहुत छोटा है। ये फोटो में थोड़ा बड़ा लग रहा था, इसमें बहुत छोटा लग रहा है। 4 लोगों का है जी। ये रहा एक रूम, ये रहा दूसरा, हमको किसमें सोना है? गुड क्वेश्चन, यहीं पे सोना हम पापा के।
ये मेरा ऑफिस सेटअप गाइस, इसी पे दिखाता है, नेटफ्लिक्स चलता है, ऑफिस ने दिया ऑफिस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे नेटफ्लिक्स दिखा जाता है।